आज का जो वीडियो है वो क्या है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बट क्या ये ओनली 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस और द क्वेश्चंस करने से आपका अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा नहीं आई गिव यू द द टेस्ट पीडीएफ मैं टेस्ट और पीडीएफ भी आपको दूंगा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या इस यूट्यूब चैनल पर बने रहो आपको पता चल जाएगी और टेस्ट और पीडीएफ ऑफ अक्टूबर क्या है तो इन द अक्टूबर वी ट्राई टू कवर अराउंड द हंड्रेड और वन ट्वेंटी इंपॉर्टेंट पॉइंट द क्वेश्चन की हो जाए उसी तरह हम लोग प्रीवियस मंथ तो थ्री टू फोर फाइव मंथ का अगर हम कवर कर दे तो चांसेस हैं आई एम नॉट क्वेश्चन वहीं से आएगा चांसेस है कि क्वेश्चन वहां से आपकी लाइफ में आ जाए जीके के लिए कुछ भी करो कम ही होता है बट दिस इज वॉट उस कमी में एक छोटा सा पॉजिटिव होप खोजने की कोशिश है मेरी तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज 51 मोस्ट दिफ्टी करंट अफेयर्स फॉर द अक्टूबर 2022 दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द एग्जामिनेशन लाइक अदर जो भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स दिखते हैं उसमें डेफिनेटली ये हेल्प करने वाला है तो बिफोर स्टार्टिंग सेशन मैं आपको बता दूं इफ यू आर गोइंग फॉर द जैट जैट का बूट कैंप एडमिशन ओपन है जाओ, कर लो. उसमें हम लोग तो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है इफ यू आर गॉर द कैट सॉरी जैट फॉर द स्नैप वी हैव द स्नैप हाइस्टी ट्वेंटी टू स्कोर पोस्टर डबल नाइन थ्री लर्निंग डॉट फोर डॉट इन आप जब डिस्क्रिप्शन देखोगे पिन पोस्ट देखोग

इज अ कंप्लीट पैकेज जो आपको मिलता है, तो है, है, है तो इसलिए आपको यह दिया हुआ है आप इतनी भी प्रैक्टिस करते हो तो आप स्पीड पेपर के लिए रेडी हो ही जाओगे तो टारगेट कर रहे हो तो एंड एट द लास्ट में आपको कुछ बातें बता देता हूँ वो क्या है दिस इज वट वी डिस्कस हमने इसको डिस्कस किया है

स्नैप और टेस्ट प्रैक्टिस ओपन होगा ओपन हो जाएगा ये जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होगी बहुत एग्जॉस्टिव सेशन होंगे की जिस लेवल पे एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए आपको तैयार होना होगा क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हो एग्जाम में जाके कुछ कम अटेम्प्ट करते हो तो शायद आपको दुख तो होता ही होगा भी एडमिशन ओपन हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन रांची में ये सारा इसी चैनल पे बता दी जाएगा चैनल पे बने रहो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो और बहुत कुछ जीके के लिए हम लोग करने वाले हैं इन द कमिंग टू वीक्स थ्री वीक्स आपको दिखेगा तो लेट्स स्टार्ट विदेशन सो इस वीडियो का जो हमारा लर्निंग पार्टनर है वो कॉलेज जिसको लोग बहुत कम जानते है। India, का है। हैं लगा है, वो 75, का लगा है, दो मंथली कमाल का बिम जैसे कॉलेज है जो बहुत अच्छे कॉलेज है बट उसको लोग जानता नहीं है आज से आप, BIM, अगर आप सोचना स्टार्ट करते हो तो बिम त्रिची को भी सोच सकते हो एंड सबसे अच्छी बात है तो ऑडिटेड है मतलब ऐसा नहीं है कि उसको अप एंड डाउन स्केलअप किया गया वो ऑडिटेड है मैं मैं का कैसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा नहीं आपको सब कुछ बता दूंगा इसी चैनल पे आप कब भर सकते हो फॉर्म्स कब नहीं भर सकते हो लेकिन उससे पहले बात करते हैं जीके की जीके स्टार्ट तो करते हैं लर्निंग पार्टनर ऑफ दिस पहला क्या है देखो मैं हर एक अगर पीडीएफ चाहोगे तो आप कमेंट कर देना कि सर पीडीएफ पीडीएफ दे दे दो तो मैं दे दूंगा बाद में इसको रिवाइज कर सकते सारे प्लानिंग्स हैं आपके को आपके को तो हो बट बहुत आपके स्नैप और इसमें जो बुलेट पॉइंट है, है, है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी पे ट्रिब्यूट्यूट पे किया तो हमें क्या फायदा है बट ये याद रखो पीपल्स पॉइंट आपका एक आ सकता है किसे बोला जाता है गुरराम झासुआ तो ये बन सकता है बिकॉज अक्टूबर में हुआ था ऑन एंड वन एविल अनटचेबिलिटी बींग प्रैक्टिस इन दीज टाइम्स समय जो हुआ करता था ऑल्सो फाउट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पोवर्टी एंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज सो पीपल्स पोएट किसे बोलते हैं दैट इज ये जा बन सकता है तो मैं आपको बताता जाऊंगा को फास्ट बताऊंगा करके भी देख सकते हो या वीडियो स्लो मूड में भी देखो अगर वीडियो और ऑडियो का जो सबसे अच्छी बात होती है कि आप जो खुद से याद नहीं रख पाते हो जब आप वीडियो के थ्रू तो देखते हो तो बहुत कुछ आपके दिमाग में बैठ जाता है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेअर द सिक्स नेशनल देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स को लेकर थर्टी नेशनल गेम्स कहां पे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हो रहा है अगर क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट कर दोगे स्पोर्ट्स से। मैंने हर एक सेगमेंट को टेस्ट करने की कोशिश की है इस 51 में। But 51 में मैंने मैंने कहा था कि कहा भी हमेशा आप एक पूरे तो अपडेट हो जाएगा अंडर यूनियन कल्चर मिनिस्टर फ्रीडम नोन लेसर नोन स्ट्रगल्स ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा वट इज दिस तो दिस वन इज नेशनल इट है ओरिजिनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दैट इज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कार्टोग्राफी रिकॉर्ड्स न्यूज पेपर प्राइवेट पेपर्स एंड द कंटेम्प्री फोटोग्राफ्स हाउस इन द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया दैट इज वॉट दिस इज नेशनल आर्काइव का

तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये नहीं पूछा कि किस कंट्री में राइज हो रहा है आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है इज डायरेक्टाज इट्स इट्स तो वॉटेरियम इज अ टाइप ऑफ फंगस और अ टाइप ऑफ प्लांट पैथोजन मतलब बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन दिखे तो आपसे क्वेश्चन दिख सकता है व्हाट इज दिस सो दिस इज नॉट अ एल्गी दिस इज नॉट बैक्टेरिया दिस इज फंगस और अ टाइप ऑफ पैथोजन प्लांट्स का है दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर देखो जीके या करंट अफेयर्स में अगर हम क्विक समरी देखना चाहें वी आर नॉट इन द यूपीएससी ना होना चाहिए जो भी एग्जाम्स माइंड okay, में है, ना, okay, पास चार आप एक दो बार रिवाइज कर जाओ तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही करेगा फाइव रोहित शर्मा क्रिकेट देखो रोहित शर्मा ये सबको पता होगा बट जो लोग क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए भी कभी न्यूज आ जाता है कुछ अगर एग्जाम्स इजी हुए तो ड्रेड अपियेंस इन दी ट्वेंटी इंटरनेशनल वर्सन में तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इंडियन अपियर फोर हंड्रेड अपियरेंस हुआ है आपका एंड ये फर्स्ट इंडियन कैप्टन है जिन्होंने फाइव हंड्रेड रन बनाए हैं इन अ कैलेंडर ईयर टी ट्वेंटी इंटरनेशनल आई का मतलब है टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में रोहित शर्मा कुड बी अ क्वेश्चन इंडियन क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन ध्रोनी दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज ध्रोनी देखो ये ड्रोनी जो है ये मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन है महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया था और मैन्युफैक्चर बाइट क्या है गरुड़ा एयरोस्पेस महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ा एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेडर है तो धोनी से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर तो पूछना चाहे तो धोनी इज वॉट ड्रोन विद द कैमरा मेड इन इंडिया एक्चुअली ये सब जो होता है हर एक जगह है अनिस ने अभी कुछ निकाला है किसान के लिए भी ड्रोन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा तो मैंने कहा इसको ले देते हैं सेवन इंडिया हैज मूव अप टू सिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिक्स प्लेसेज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स सी आर आई आई ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो पहला थ्री एरिया को यह चेक करता है तो क्वेश्चन आ सकता है सी आर आई आई दैट इज कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी इंडेक्स किन किन पॉइंट पे देखता है तो पहला क्या है पब्लिक सर्विसेज हेल्थ एजुकेशन सोशल प्रोटेक्शन पहला क्या है पब्लिक दूसरा क्या है टैक्सेशन और तीसरा क्या है वर्कर्स राइट right. तो सी आर आई आई थ्री पॉइंट को कवर करता है पैरामीटर देखने के लिए पब्लिक पब्लिक सर्विसेज टैक्सेशन एंड वर्कर्स राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इट हैज वॉट बाय व्हाट डीएफआई डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस इंटरनेशनल हमें इस इंटरनेशनल का है लेकिन सीआरआई में इंडिया का रैंक क्या है मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो कहां कहां किस किस चीज को देख रहे होते हैं

इट ओवर इन हाउस तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ये है ट्वेल्थ कहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू एयर बेस ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू एयर बेस कहां लॉन्च हुआ है तो न्यू एयर बेस का जो फाउंडेशन पड़ा है वो दिशा पड़ा है और ये क्या है आपका नॉर्थ गुजरात में ये याद रखिएगा दैट इज पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर है एक छोटा सा है कि अगर उसे पूछा जाए लेकिन उससे जरा मुझको इंपॉर्टेंट ये लगा कि आपका ट्वेल्थ डिफेंस एक्सपो कहां पे है तो वो गांधीनगर में हुआ है नाउ हरदीप सिंह पुरी यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड द नेशनल गैस हरदीप सिंह पुरी इनोग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एशियाज लार्जेस्ट सीपीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां पे है तो ये संगूर पंजाब में है ठीक है संगूर पंजाब में है लेहरा गा लेहरा गागा में है एंड ये जो है बायो आईजी जर्मनी की कंपनी के थ्रू आया है तो cbg पे अगर क्वेश्चन आता है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं तो आपको ये सब तो पता होना ही चाहिए बाकी भी मैं आपसे बताता हूं डॉक्टर केपी अश्विनी देखो डॉक्टर केपी अश्विनी इज द फर्स्ट ये जो फर्स्ट है इंडियन एंड एशियन वुमेन है जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन unhrc की रैपर्ट्यूड पॉइंट रिपोर्ट का मतलब वो कौन कौन सा रिपोर्ट बनेगा क्या आगे प्रोसीजर होगा नहीं होगा उसका है मैं आपसे होमवर्क दूंगा हर एक बार मैं होमवर्क दूंगा आप इसका देख लो कि यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो गूगल करके मुझको कमेंट कर दो कि यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहां पे है क्योंकि आपको भी कुछ काम तो करना होगा मैंने जान के नहीं लिखा है लिखने को मैं लिख सकता था मैंने जान के नहीं लिखा आप इसको देख लेना कि इसका हेडक्वार्टर क्या है और बाकी यूएन के हेडक्वार्टर कहां है इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये जीके का अभी करंट अफेयर है तो इस पर क्वेश्चन तो बन सकता है कि हेडक्वार्टर है और इसका हेडकॉन है ये दोनों को देख लो आप ट्वेल्थ पॉइंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑफ एन केबल कम सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस कृष्णा रिवर कनेक्टिंग द तेलंगाना एंड द आंध्र प्रदेश कोई काम का नहीं है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में केबल बन रहा है अच्छी बात है थ्री किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज आपके एट्टी किलोमीटर डिस्टेंस को कम कर देगा ऐसा कुछ नहीं है ये क्वेश्चन है यहां पे इंपॉर्टेंट नालामाला फॉरेस्ट रेंज कहां है

स्टेट इज दैट इज कर रहा था तो क्वेश्चन आपका पे एक बन रहा है जो अक्टूबर में बहुत important news हुआ है अगर हम agriculture को देखना स्टार्ट करें तो इंडियन जूनियर मेन्स हॉकी देखो इंडियन जूनियर मेन्स हॉकी ने जीता है किस चीज को 11th, सुल्तान अगर आप हॉकी को फॉलो नहीं करते हो बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं सुल्तान ऑफ जौहर कप किससे रिलेटेड है तो आपको पता भी नहीं होगा तो ये क्वेश्चन ऑफ जौहर कप रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया के साथ जीता इन्होंने तो सुल्तान ऑफ जोहर कप इज रिलेटेड टू हॉकी नाउ अंदमान एंड निकोबार आईड इंडिया स्टेट टेरिटरी डोज क्वेश्चन बनते हैं बिकॉज़ है तो कोविड का प्रकॉशनरी पहले सबसे पहले मिला अंडमान निकोबार छोटा है, है अगर क्वेश्चन आता है तो देख हैं कि पहला कौन सा है बताओ क्या है, नहीं है तो कोविड के टाइम में पहला तो दिखता ही दिखता है थर्ड दैट इज आर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर एंड रिलेशनशिप साइन एंड एमओ विथ गूगल आईसीसीआर ने गूगल से साइन किया है सर्चिंग द इंटरनेट इन द संस्कृत संस्कृत को इंटरनेट पर सर्च करने के लिए डैट मीन ट्रांसलेशन करने के लिए एट इंडियंस लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी गूगल ट्रांसलेशन पे कितने इंडियन लैंग्वेज हैं एट है संस्कृत आसमीज भोजपुरी डोगरी कौनकनी मैथिली मिजो एंड मिटेलियन डैट इज मणिपुरी ये एट लैंग्वेज है अपार्ट फ्रॉम द हिंदी जो आपके दिखते हैं ंटली सच लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द गूगल ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट में इन आठ लोगों को आठ को यूज किया गया पहले भी थे तो अभी आप इसको देख लीजिएगा मैं आपको और एक होमवर्क देता हूं टोटल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इन द गूगल ट्रांसलेट गूगल करके आंसर कमेंट में पोस्ट कर दो गूगल ट्रांसलेट में टोटल इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन से है अभी आठ एड हुआ है संस्कृत के साथ करंटली आर इंक्लूडेड इन द गूगल ट्रांसलेट ये आठ को इंक्लूड किया गया है संस्कृत भी आया है आपका नाउ कम रो मोटोकॉप ने का अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है दैट मीनस राम चरण इज द ब्रांड एम्बेसडर जो अभी कैंपेन करेंगे ग्लैमर को लेके ग्लैमर गजब स्टाइल गजब टेक्नोलॉजी मतलब ये उसका क्या है स्लोगन है ये उसका पंचलाइन है ग्लैमर का पंचलाइन क्या है गजब स्टाइल गजब टेक्नोलॉजी ब्रांड एम्बेसडर कौन है रामचरण इसको याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है आपके ब्रांडिंग से तो ये क्वेश्चन बन सकता है अक्टूबर का मैंने हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की है पूरी अपने साइड से मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है अगर आपको लगता है कि सब कुछ आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो एग्जाम में क्या आएगा वो तो हम देखेंगे देखेंगे तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और कुछ कमेंट डेफिनेटली कर देना बिकॉज यूट्यूब एल्बोरिज्म अभी से काम कर रहा है लाइक्स कमेंट तो आप उसको करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना देख लो और बहुत मैंने अक्टूबर इतना कंप्लीट नहीं करना बहुत कुछ आने वाला है वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल क्लून आर्टिक वोल्फ आर्टिक वो Lupus, प्रेस जो नाम है, उसका नाम क्या है माया माया इज वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन आर्टिक अब क्लोन्ड है बेस्ट फॉर्म साइनोजियन बायोटेक्नोलॉजी बाई यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी सी वॉज बॉर्न जून टेन ट्वेंटी ट्वेंटी टू को बॉर्न हुई थी डोनर क्लून द डोनर देखो डोनर आर्टिक वोल्फ कम फ्रॉम वाइल्ड आर्टिक वोल्फ नेम माया डोनर उसी से आया है इंट्रोड्यूस फ्रॉम द कैनेडा टू हरबिन पोलैंड हु इन अगस्त दिस 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 इट्स ओसाइट वाज फ्रॉम द फीमेल डॉग इन देखो ओसाइट आया कहां फीमेल डॉग से एंड सरोगेट मदर कौन है बीगल है डॉग एंड द बीगल से बनके आपका ये प्लून हुआ है माया आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली एनिमल पहला जो एनिमल क्लोन हुआ था वाज डॉली जो कि सिप थी 1996 में बहुत पुरानी है और 2003 में वो डायड हो गई थी लंग इन्फेक्शन से तो माया कौन है कौन नहीं है डॉली को रिकॉल किया जा सकता है आपके जीके में नाइनटीन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है शशि थरूर एंड अंबेडकर लाइफ हु इज ऑथर ऑफ अंबेडकर लाइफ दैट इज सशी थरूर बाकी आप बुक को पॉज करके देख लो कि इसका कौन सा आपको वीडियो को पॉज करके देख लो कि क्या है इसमें नहीं है पब्लिश्ड अल्फा एलिफ बुक कंपनी पब्लिशर कौन है नहीं है बट शशि थरू अंबेडकर लाइफ एक छोटा जाता है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एजीईएल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट कहां स्टैब्लिश हुआ है वो स्टैब्लिड हुआ है जैसलमेर राजस्थान में सिक्स मेगावाट का तो आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहां पे है जैसलमेर राजस्थान में इससे पहले हम लोग क्या देखे थे सीडब्ल्यू जी कंप्रेस्ड बायोग वो कहां पे था रिकॉल कर लो नहीं तो वीडियो को वापस जाके देख लो अब मैं पाता हूं फिर से बूट कैंप अगर कैट का आपने एडमिशन के लिए अगर आप एडमिशन लेना तो ले लो बहुत कुछ अभी हम लोग करने वाले हैं उसमें जीके तो मैं यहां पे देता ही नूंगा आपके साथ डिसीजन मेकिंग होगा कुछ एडवांस मैथ्स भी देखेंगे एरथमेटिक के भी एडवांस क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन टफ आ रहे हैं आजकल तो आपसे क्वेश्चन ये देख सकता है

अपकमिंग है स्नैप और टेस्ट का प्रैक्टिस यूट्यूब पे चलना स्टार्ट तो हो जाएगा जनवरी से आपकी क्लासेज होंगी मोस्ट एग्जॉस्टिव होगा डिस्कस करेंगे टाइमिंग सब कुछ आपको बता दिया जाएगा इससे ऊपर तो कुछ नहीं आएगा कोई भी एग्जाम नहीं हो जाओ इसमें इतनी बार प्रैक्टिस भी हम लोग कर देंगे बैच बहुत जल्द आ रहा है इसमें आप सीमेंट वाले जो ऑनली जिनको प्रैक्टिस चाहिए नहीं जिनको चाहिए कि नहीं मुझको चाहिए सीमेंट के साथ प्रैक्टिस और सब कुछ मुझको सीमेंट मतलब कुछ नहीं पता है उनके लिए सीट बैच है और मीन्स वालों के लिए के साथ वो सीमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लासेज ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन का मतलब रांची में चलेगा बाकी कुछ भी आपको पता करना हो तो यहाँ पे एक नंबर लिखा है डबल नाइन जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो वन फाइव नाइन आप इसे व्हाट्सअप कर सकते हो या ड्यूरिंग ऑफिस आर्स आप कॉल कर दो तो आपको पता चल जाएगा ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दे दिया जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट देखो नेशनल फिल्म अवार्ड में मैंने बहुत कुछ निकालने की कोशिश की थी आप इसको एटलीस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड को देख लेना

UN का जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन आई डी इंपॉर्टेंट मुझको बहुत ज्यादा नहीं लगा बट इसके चेंजिंग वर्ल्ड the आ सकता है, क्या है? इंडिया परसपेक्टिव में इंडिया परसपेक्टिव में हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्डरली पीपल क्वेश्चन आ सकता है एल्डरली कि पीपल किस स्टेट में सबसे ज्यादा है वो केरला है बिहार फॉरवर्ड बाई उत्तर प्रदेश एंड आसाम सबसे लीस्ट पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पीपल आता है यहां पे यंग जनता ज्यादा है केरला में सबसे ज्यादा एल्डरली पीपल है एक इंपॉर्टेंट है आपका ट्वेंटी थ्री डॉक्टर लाल एंड इंडियन ओरिजिन चीफ एग्जीक्यूटिव दैट सीओ ऑ ऑफ द जनरल एटॉमिक ग्लोबल कॉर्पोरेशन हैज बीन ऑनर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई यूएस किसको मिला है डॉक्टर लाल को मिला है देख लीजिएगा

साइनाथ और वी कुड से द पी साइनाथ का जो न्यू बुक है द लास्ट हीरोज हु इज द द ऑथर ऑफ लास्ट हीरोज मैंने इससे पहले आपसे दो और एक ऑथर की बात की थी उसको भी रिकॉल कर लो कौन था कौन नहीं था एक बार वापस जाके देख लेना द लास्ट हीरोज पी साइनाथ का है और इन्होंने बाकी भी लिखा है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉड स्टोरीज फ्रॉम द इंडियाज पुरेस्ट डिस्ट्रिक्ट वो भी है लेकिन पी साइनाथ द लास्ट हीरोज उसका लिखा हुआ है ऑथर एफ आई एच देखो हॉकी पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अक्टूबर में बिकॉज एफ आई एच ने बहुत सारे अवार्ड दिए हैं इंडिया मुमताज खान मुमताज खान जो कि लखनऊ की है उसको क्या मिला है राइजिंग स्टार ऑफ ईयर अंडर कैटेगरी मुमताज खान एंड टिमोथी क्लिमेंट फ्रांस का जो है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है इनको तो इसमें बहुत कुछ आपका मिला है एंड एफ आई एच के जो प्रेसिडेंट हैं, नरेंद्र ध्रुव बत्रा है एंड द हेडक्वार्टर इसका कहा है स्विट्जरलैंड

आपका जो सऊदी अरबिया है उसमें आपका 2029 में विंटर गेम होने वाला और 2024 में रियाद में आपका क्या होना है एशियन गेम्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन होस्ट कर रहा है तो आप इसको बता दीजिएगा टिक आउट कर दीजिएगा आपके लाइफ में आ जाएंगे 27 सेवन पुलम पारा पंचायत देखो सबसे पहले क्या होता है उसका नाम हमेशा आता है पुलम पारा पंचायत त्रिवंतपुरम केरला का फर्स्ट पंचायत है जो पूरी तरह लिटरेट है मतलब इसके सारे मेंबर्स में लिटरेट है इंडिया अब इतना आगे बढ़ा और पंचायत के मेंबर सिलेट्रेट पहला बना है इन द 2022 टी टू कोई बात है बट चलो ठीक है हम इसे याद कर देंगे अपने जीके के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दैट इज एफ आई एच इंडिया गोलकीपर पिया एंड द सविता पुनिया नाम पूछ सकता है कि अगर इस किस खेल से रिलेटेड है हमें पता ही नहीं हम क्या बताएंगे मैं आपसे नहीं पूछाऊंगी डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि अवार्ड पूछे कौन से मिला है पूछ सकता है पी आर किस खेल से रिलेटेड है सविता पुनिया किस खेल के लिए फेमस है इन्हें बेस्ट गोलकीपर का एफ आई एस गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला है तो नेम्स जो आपके देखते हैं हॉकी वाले या किसी और स्पोर्ट्स के तो डायरेक्ट पूछ सकता है वो किस खेल से नाउ न्यू बुक अगेंस्ट अब देखो ये जो है आपका गोपाल कृष्णन इन्फोसिस दया सिंधु एंड कृष्ण नारायण इन्होंने लिखा है अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया को ऑथर्स कि कौन से को तो ऑथर्स है श्रीनिवास दे माधवन मंधाना सॉरी श्रीनिवास मंदाना जो क्रिकेटर है उसको अपना ब्रांड एम्बेसिडर इनके साथ जो ब्रांड एम्बेसिडर पहले थे वो महेंद्र अभी भी है और हार्दिक पांड्या अभी भी है तो इन दोनों के साथ गल्फ ऑयल इंडिया की जो न्यू ब्रांड एम्बेसिडर है वो श्रीनिवास मनभाना है नाउ डेट्स के ब्रांड एम्बेडर कौन है अमिताभ बच्चन बहुत फेमस है प्यार भी ख्याल भी ये इसका क्या है पंच लाइन है देख लीजिएगा मैंने एक और डिस्कस किया था पंच लाइन क्या था क्या नहीं था आप इसे भी रिकॉल कर लेना उसे भी देख लेना थर्टी टू नोव जो को ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट जनरली इतने इंपॉर्टेंट और इतने सुपर डुपर

स्वीडिश साइंस ने फिजिक्स के लिए जो दिया आपका डिसाइडेड गिव्स द प्राइस ऑफ द फिजिक्स जनरली ये इन क्वांटम फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा है तो हो सकता है फिजिक्स से क्वेश्चन आ सके बिकॉज इन्होंने कहा है कि आइंस्टाइन ये जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें आइंस्टाइन के भी कुछ बातें हैं जो क्वांटम फिजिक्स को उन्होंने गलत कहने की कोशिश की थी नॉट अ गलत कंप्लीट न्यू टेक्नोलॉजी है तो क्वांटम फिजिक्स में जब भी कोई काम होता है

तो तो ती है, है इसको देखना कभी कभी क्वेश्चन दिखता रहता है एंड वर्ल्ड नंबर वन मैग्नस कार्लसन सन नॉर्वे चेस चैंपियन वोन जूलियस बेयर जनरेशन कप अगेन ये कप किससे रिलेटेड है चेस से किसने जीता आपका है एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा देखना नहीं है कि ऑनलाइन हुआ था या क्या हुआ था दिस इज वर्ट द डायरेक्ट ये आपका डायरेक्ट दिख रहा है नाउ अगेन छोटा सा इंफॉर्मेशन कैट जैट आप ज्वाइन करने जाते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एनी हाउ आप कोई कोई भी डाउट हो तो आप इसको फोन कर लो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो ऐसा नहीं है कि हम जाके एग्जाम को मुंह उठा के देके आ जाए उससे कोई फायदा नहीं होता है स्नैप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके देख लीजिए अगर आपको फुल कोर्स चाहिए दट मीन सेल्फ प्रैक्टिस नहीं मुझको टेस्ट के साथ साथ कुछ और चाहिए तो आप कर सकते हैं आप टेस्ट तो एटलीस्ट ज्वाइन कर लो या नहीं तो उसको दो उसमें बहुत सारे आपके वीडियो हैं कि हाउ टू डिस्कस दट डाइस कैसे होता है रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं कुछ फास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है बहुत कुछ उसमें है तो ज्यादा है नहीं ट्वेंटी के लिए अगर आप बेसिक एग्जाम को टारगेट करो अपार्ट फ्रॉम द कैट जैट

किसके साथ लॉन्च किया है तो बुक माइसो या आरबीओ में बुक माई जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं उसका नाम क्या है, है, है? सौरभ गांगली बंधन बैंक के जो नए ब्रांड एम्बेसिडर हैं वो कौन है सौरभ गांगली नाउ न्यू बुक अगेन बुक्स में क्या है, Dylan, है इन्होंने लिखा है ऑथर्स में बुक्स एंड ऑथर में ये भी एक नाम इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड स्टूडेंट डे देखो बहुत फेमस हो रहा है तो एक डेज वाइज तो आपको पता कुछ जो पता बनता है पता कब ठीक है नेक्स्ट थिंग श्रीलंकर ऑथर देखो बुकर प्राइस में ट्वेल्थ अक्टूबर में बुकर प्राइज से भी बहुत सारे प्राइज मिल रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है सेवन मून्स ऑफ माली एल मीडिया किसने लिखा है तो ये क्या है सिहान करुणा ती लाका ओके एंड श्रीलंका का ये सेकंड प्राइज मिला है ऐसे अगर आप श्रीलंका में होते हैं तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता बट चलो तो देख लो बुकर प्राइज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है पहला जो श्रीलंकन को मिला था वो क्या है माइकल ऑन डैल ऑन डेट जे द इंग्लिश पेशेंट नाइन में अभी ये मिला है बुकर प्राइज ऑलवेज इंपॉर्टेंट है और तो देखना चाहिए जस्टिस सीजीआई अपॉइंटमेंट्स में जो मुझको अक्टूबर में अपॉइंटमेंट बहुत सारे हुए हैं

सेट इज दर एस है ये अ माइंड स्टोरी का ऑथर कौन है साइल सेट इंपोर्टेंट डेटा कौन सा है इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है तो अब देखना इंडिया लार्जेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है वो क्या है आपका यूनाइटेड स्टेट और दूसरा क्या यूनाइटेड स्टेट अमीरात जो आपका है फर्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा एक्सपोर्ट का जहाँ वो एक्सपोर्ट करता है क्वेश्चन है, States, थर्ड आ गया है. ये एक है तो बाकी क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, कि इंडिया कहां करता है? और किस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, जेम्स जो भी है आप देख लेना. कि इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट किस चीज का करता है विच द मैक्सिमम एक्सपोर्ट मैक्सिमम इंपोर्ट कहां से करता है और किस चीज का करता है मैक्सिमम एक्सपोर्ट कहां करता है यूनाइटेड स्टेटेड अमीर जेम्स ज्वेलरी जो भी आप देख लो नीदरलैंड से क्या करता है वो देख लो मार्केट ंग द फोर्थ दिस स्लोइंग डाउन द डिमांड डिमांड कम हुआ है एक्सपोर्ट का तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इसका तो आप होम गूगल कर लो मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क दिए हैं होमवर्क पे काम लास्ट लास्ट पॉइंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आई वाई जी आखिर हो कहा होने कहा वाला है मध्य प्रदेश से जनवरी से स्टार्ट होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम इंडिया यूथ गेम जो है वो मध्य प्रदेश में होगा अगला जो है इसे देखिएगा एंड द लास्ट वॉट डॉक्टर बीमल जलान अगेन ऑथर डॉक्टर बीमल जलान ऐसे इतना बड़ा बुक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एंड द ग्लोबल सुपर पावर इतना बड़ा नेम बहुत रेयर है आने का बट अगर आ गया तो आपको याद आ जाएगा डॉक्टर बीमल जलान तो ये जो 51 वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्टूबर के है, हैं अक्टूबर में बहुत सारे कुछ और भी हैं उस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्वेश्चन के आपको दे दूँ और इसके पॉइंट्स आपको लिख दूं कि आपको पी हो और इसके बाद मैं क्विज लेके आ जाऊं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा तो ये फिफ्टी पॉइंट्स आप दोबारा देख लेना

बीस टॉप बीस स्कूल का फॉर्म मुझको फिल करना चाहिए सब कुछ एंड आएम रियली थैंकफुल टू भारतीय जिन्होंने लर्निंग पार्टनर बनना स्वीकार किया इस वीडियो का भारतीय जो कहीं आप बोल सकते हैं ना डार्क छुपा हुआ है घोड़ा है जिसको लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं बिकॉज तीची में है तो भारतीय आया चाहिए किसे भरना चाहिए किसे नहीं भरना चाहिए क्या करना, क्या करना है क्या नहीं करना है मैं सब कुछ बात करूंगा एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे तो वो क्रिजिल का ऑडिटेड रिपोर्ट है तो ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको मिल जाएगा

ओपन हो. भी होगा बाकी भी हम आपको करवाएंगे. आप join कर लो. Is, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो कॉल ड्यूरिंग द ऑफिस आ करना व्हाट्सअप करना और रिप्लाई आपको मिल जाएगा चलिए तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जीके का हो या मैथ्स का प्रैक्टिस हो या रीजनिंग प्रैक्टिस हो या कोई कॉन्सेप्ट हो या सिंगल वीडियो हो या लॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो इसी पे मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है आप देते रहो बेस्ट रिजल्ट तो हम बेटर देन द दे बेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे अगर आप बेस्ट दोगे बेस्ट माइंड के साथ एग्जाम दोगे तो ऑलवेज रिजल्ट बेटर आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट ने ने वीडियो में टिल देन गॉड यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय